अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए मटन गोला कबाब लेके आई हूँ, बड़े मज़े की रेसिपी। और मटन तो आजकल हर घर में होगा और ऑलरेडी गुजर चुकी है, तो इसके लिए चर्बी वाला मैंने कीमा लिया है। ये देखें, अगर चर्बी वाला कीमा लेंगे तो बाइंडिंग के काम आएगा और अच्छे से गोल कबाब बन जाएंगे हमारे। और अगर इसी रेसिपी के साथ, जैसे मैं आपको बताने लगी हूँ, आप इसका ले सकते हैं बीफ का कीमा भी और चिकन का भी। चलें, ये 1 kg लिया मैंने, 1 kg ये डाल दूँगी चॉपर में, ज़रा अच्छी तरह से बाइंडिंग हो जाएगी हर चीज़ की। और पानी निचोड़ लिया था मैंने, और लेना आपने चर्बी वाला कीमा ही है। और ये कुछ स्पाइस हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ डाल के। ये अदरक लहसुन है 1 tablespoon कुटा हुआ, वो डालने लगी मैं इसमें। और इसमें जाएगा ये नमक 1 teaspoon, चाट मसाला है 1 teaspoon नमक, चाट मसाले में भी नमक होता है तो इसलिए इसमें नमक 1 teaspoon जाएगा। अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर लें। गरम मसाला है 1 teaspoon, हल्दी 1/2 teaspoon और काली मिर्चें 1 teaspoon और रेड मिर्चें हैं 1/2 tablespoon। चले, नहीं मैं डालती हूँ सारे मसाले। और ये कुछ स्पाइस ये हैं, कचरी पाउडर है 1 teaspoon, इसको गुलाने में काम आएगा। और येलो कलर है थोड़ा सा, सूखा धनिया 1 teaspoon और ये है गरम ज़ीरा पाउडर 1 teaspoon। येलो फूड कलर अगर आपने डालना डाल लें, नहीं तो स्किप कर दें, इससे ये है कि कलर अच्छा आ जाएगा। और साथ ही डालूँगी इसमें 2 tablespoon मैं कॉर्नफ्लोर, कॉर्नफ्लोर और बेसन भुना हुआ तकरीबन 1 tablespoon भर के। और साथ में इसमें डालती हूँ ये प्याज है, मैंने ब्राउन की हुई है, तली हुई प्याज है, ये डाल दूँगी। तकरीबन 1 प्याज ली थी मैंने और इसको मैंने फ्राई कर लिया था, ये डाल दूँगी। ये पुदीना धनिया मैंने डाल दिया अच्छी तरह से निचोड़ के, और पानी किसी चीज़ में भी नहीं होना चाहिए था, फिर होना चाहिए क्योंकि फिर कबाब नहीं जुड़ेंगे अब बनेंगे। तो चलेंगे, अब मैं इसको ग्रेट करके ग्राइंड करके दिखाती हूँ आपको। ये देखें जी, अब मैं निकाल लिया सारा चॉपर से, तो अब इसको एक दफा हाथ से ऐसे मैं करूँगी मिक्स। और ये यहाँ मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया इसको फ्राई करने के लिए, तो थोड़ा सा मैं हाथों को ऑयल लगाऊंगी। और आप कोई भी पेंसिल या ऐसे स्ट्रॉ या जो सलासी होती है वो ले लें, उससे ये है कि ये अच्छी तरह से बन जाएंगे। इतना सा आपने लेना है मिक्सचर, ये देखें, और ऐसे आपने इसके साथ बना लेने, ये देखें, ये देखें। फिर मैं हाथों को ऑयल लगा लूँगी और ऐसे ही गोला कबाब हम बनाते जाएंगे। और फिर इनको सारे करके मैं ऐसे बना के फिर फ्राई करूँगी। उतनी देर में ऑयल जो है मीडियम फ्लेम पे जो है गर्म हो रहा है। और इसके साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड में शेयर करें ताकि वो भी सब्सक्राइब कर लें और आप भी। और प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच किया अगर लाइक किया करें। चले जी, मैं सारे ऐसे बना के फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए, ये ऑयल गर्म हो गया और ये मैं सारी डाल रही हूँ गोला कबाब, बड़े मज़े की और टेस्टी आप जरूर बनाना। पहले मैंने थोड़ा सा मीडियम चूल्हा किया था, अब मैंने कम कर दिया ताकि अंदर से पकें, और जो हमने कचरी पाउडर डाला ना उसके साथ ये गलेंगे, कीमा जो है ना वो टेंडर हो जाएगा थोड़ा और मज़े के लगेगा और सॉफ्ट भी बड़े बनेंगे। ये देखें, अब मैं इसको साइड चेंज कर रही हूँ। और इस रेसिपी के साथ आप मीट के गोश्त से बना सकते हैं, मटन से बना सकते हैं, मीट के कीमे से और चिकन के कीमे में से बना सकते हैं। ये मैंने निकाल ली है, ये देखें, ये मैंने निकाल ली है। अब मैंने दूसरे डाले थे, बस उनका भी कलर चेंज हो गया। ये देखें,
और बड़ी जल्दी से पक जाते हैं और जो कीमा है गल जाता है जल्दी से। ये मैं निकाल रही हूँ जी, ये देखें आप, ये भी हो गए हैं तकरीबन 4-5 से 7 मिनट में ये पक जाते हैं, 3 से 4 मिनट उधर और 3 से 4 मिनट दूसरी साइड। ये मैंने कुछ प्याज काटे हैं गोल रिंग में और सब्ज़ मिर्ची हैं 2 से 3, इनको मैं फ्राई करूँगी थोड़ा सा, ये बड़ी मज़े की लगती हैं साथ, और ये भी आप साथ रख दें, और टमाटर भी आप रख सकते हैं, लेकिन मैंने प्याज और सब्ज़ मिर्ची करनी है बस थोड़ी देर के लिए, इनको सोते करना है, और ये बड़ा मज़े का लगता है साथ कबाब के, और आपने ऊपर लेमन जूस भी डालना है। अल्हम्दुलिल्लाह से तैयार है हमारे गोला कबाब, आप ज़रूर ट्राई करना। ये ऊपर से मैं लेमन जूस सारा डालने लगी हूँ और इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपको बड़ा मज़ा आएगा। गेस्ट आए तो आप बनाएं, घर वालों को बना के दें और इंजॉय करें, बना के खाएं इसको। तो चलें जी, आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें, आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।